चलाने वाला डबल आती है और बच्चों यहाँ पे एक्टिविटी भी इन्होंने रखी है बच्चों के लिए। अच्छा HMI जैसा प्रतिष्ठित संस्थान के अंदर आना हुआ। इस संस्थान में हमारे कई प्रतिष्ठित लोगों ने देश और दुनिया के अंदर भारत का नाम किया। आज ये संस्थान रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन के अंदर एक प्रतिष्ठित संस्थान बन चुकी है। पर्वतारोपण हो, एडवेंचर हो, जिस तरीके से यहाँ पढ़ने वाला नौजवान जिसमें आत्मविश्वास है, शौर्य, बहादुरी है, और किस तरीके से इस संस्थान से निकलने वाले 48,000 से ज़्यादा भारतीय और भारत के बाहर के विद्यार्थियों ने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर हमारे उन सब लोगों से प्रेरणा लिए जिन्होंने इस संस्थान को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अभी वर्तमान में यह संस्थान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी तरीके का शिक्षण और प्रशिक्षण का कार्यक्रम कर रही है, और जहाँ भी ऐसी पहाड़ियों में आपदा आती है, संकट आती है, उसकी सर्च के लिए, रेस्क्यू के लिए काम करके लोगों का जीवन बचाती है। और इसी के साथ साथ इनकी ट्रेनिंग करके एक बहादुर नौजवान, एक देशभक्त नौजवान को तैयार करती है। मैं संस्थान के ग्रुप कैप्टन जय किशन और इस संस्थान के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। सर, आप कब रिटर्न हुए? रिटर्न कब है? मैं अभी कुछ और लोगों से यहां पर चर्चा करूंगा, गांव के अंदर रहने वाले अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के समूह से चर्चा करेंगे और किस तरीके से इस इलाके के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से लोगों ने लोकतंत्र पर अति विश्वास कर एक कठिन जीवन जीकर देश सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे सीमा पर जटे नौजवान हो, चाहे देश के अलग अलग क्षेत्रों में रक्षा हो, अर्धसैनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों की बहादुरी और उनके जीवन ने यहाँ के लोगों को, पूरे देश के लोगों को प्रेरणा दी है। इसलिए पहाड़ों की ज़िंदगी में जीने वाले लोगों की ज़िंदगी को भी मैं देखने का काम करूँ।